शरीर में उपस्थित बीमारियों और चिंताओं से मुक्ति का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। यदि आप अपनी सांसों पर सतर्कता और इन सांसों की शक्तियों के बारे में जान गए तो समझो आपने अपने जीवन में आने वाली तमाम बीमारियों और चिंताओं से मुक्ति पा लिया। दोस्तों, हमारी ये सांसें इतनी प्रभावशाली हैं कि यदि आप अपनी सांसों में बदलाव करते हैं तो आपका दिमाग और आपका मन आपके शरीर में उपस्थित तमाम बीमारियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। यह आपकी सांसें इतनी शक्तिशाली हैं कि आपके जीवन में उठ रही तमाम परेशानियां, तमाम चिंताएं और भी बीमारियां जिनसे आप मेडिसिन लेकर नहीं बच सकते, उन सबका इलाज सिर्फ सांसों को बदलकर किया जा सकता है। आयुर्वेद में सांसों का बहुत गहरा जिक्र है, जिसके कारण ही एक आयुर्वेद का ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में तमाम परिवर्तन लाता है। और हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसी आयुर्वेद के सिद्धांत पर लंबे समय तक स्वस्थ रहकर 200-300 सालों तक जीवन जिया है। सांसों का बदलाव इतना प्रभावशाली है कि यदि आप अपनी सांसों की गति बदल देते हैं तो न केवल अभी बल्कि भविष्य में भी आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती और आप अपने जीवन को लंबे समय तक जी सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि आखिर अपनी सांसों में बदलाव कैसे किया जाए। इसको समझने के लिए आपको ब्रह्मांड के तमाम रहस्य को समझना होगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, इस ब्रह्मांड ने ही हमारे इस स्थूल शरीर का निर्माण किया है और हमारे शरीर में एक ऐसी इकाई भी उत्पन्न की है जो हमारे इस स्थूल शरीर के लिए डॉक्टर का काम करती है। यानी यदि आपको कोई समस्या है तो आपको बाहर से किसी मेडिसिन को लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके शरीर में उपस्थित वह डॉक्टर, वह इकाई जो इस ब्रह्मांड ने प्रदान की है, वह स्वयं आपको इन सभी बीमारियों से मुक्त कर देगा। बस इसके लिए केवल एक ही शर्त है कि आपके इस स्थूल शरीर को यह पता होना चाहिए कि वह डॉक्टर आपके भीतरी तल पर है, ना कि बाहरी तल पर। हमारे इस स्थूल शरीर में सबसे बड़ा डॉक्टर या कहें मेडिकल स्टोर हमारी सांसें ही हैं, लेकिन हमने तमाम बीमारियों और लोगों के बहकावे में आकर इस बाहरी तल पर डॉक्टर ढूंढ रहे हैं और न जाने कितने ही मेडिसिन लेकर अपने इस शरीर में कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। यदि आपने कभी पुराने ग्रंथों और लेखों को पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि तमाम बड़ी से बड़ी बीमारियों को हमारा यह शरीर स्वयं से नष्ट कर देता है। हमारी सांसें या जिसे हम प्राण कहते हैं, वह इतना प्रभावशाली है कि आपके शरीर के किस हिस्से में कौन सी परेशानी है उसको जानते ही तुरंत कार्य शुरू कर देता है, वो भी बिना फीस के। लेकिन इस दुनिया में बहुत ही थोड़े लोग हैं जो प्राण की इस शक्तिशाली प्रभाव को समझते हों, परंतु इन लोगों में से भी बहुत ही कम लोग हैं जो इसका सही से उपयोग कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस विधि का सही उपयोग करना सीख गए तो आपका समस्त जीवन निरोगी हो जाएगा, आपकी काया परिवर्तित हो जाएगी। यह न केवल आपके शरीर की समस्याओं बल्कि दिमाग की परेशानियों और तमाम टेंशनों, एंजाइटी, इन सबको दूर करने की ताकत रखता है। दोस्तों, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि ये हमारी सांसें हमें आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत करती हैं, और केवल इसी सांस के माध्यम से ही हम इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी सांसें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं, तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन सांसों को प्राण कहा है, क्योंकि एक जीव की शुरुआत और हमारे इस स्थूल शरीर की शुरुआत या कहें कि इसका आधार केवल हमारी सांसें ही हैं। बिना इन सांसों के व्यक्ति आगे का जीवन जी ही नहीं सकता। ये सांसें जिस दिन उखड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं, व्यक्ति मृत हो जाता है, उसका यह स्थूल शरीर केवल एक बॉडी रह जाती है जो किसी काम की नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि व्यक्ति बिना खाए एक महीने तक जीवित रह सकता है और बिना पानी के भी कुछ दिन जिंदा रह सकता है, परंतु बिना सांसों के या केवल कुछ मिनट ही जीवित रह सकता है। इसलिए एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए और उसके स्थूल शरीर को कार्य करने के लिए सांसों का बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने शरीर में उपस्थित इस डॉक्टर को सक्रिय कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें अपने शरीर में उपस्थित ऊर्जाओं को समझना होगा।
वे ऊर्जाएं जो हमारे इस स्थूल शरीर को गति प्रदान करती हैं। दोस्तों, साधारण तौर पर हमारे शरीर में दो ऊर्जाएं पाई जाती हैं, एक शारीरिक ऊर्जा जो बाहरी तल पर होती है और दूसरी ऊर्जा है आत्मिक ऊर्जा जो भीतरी तल पर पाई जाती है। दोस्तों, शारीरिक ऊर्जा जो बाहरी तल पर होती है वह हमें दिखाई दे सकती है और वह बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, परंतु हमारे भीतर उपस्थित वह भीतरी तल पर आत्मिक ऊर्जा बहुत प्रभावशाली होती है, इसलिए उसकी शक्ति का आभास लगाना बहुत कठिन है। यह आत्मिक ऊर्जा न दिखाई देने के कारण बहुत विराट होती है, इतनी विराट जिसका कोई अंत नहीं। यह आत्मिक ऊर्जा बहुत प्रभावशाली है, इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है तब हमारी यह आत्मिक ऊर्जा शारीरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी यह आंतरिक तल से बाहरी तल पर आ जाती है, जिससे हमें तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी भीतरी ऊर्जा को सक्रिय नहीं कर पाते, उसे समझ नहीं पाते। जिस दिन हमने अपनी भीतरी ऊर्जा को समझ लिया और उसे सक्रिय कर दिया तो हमें कोई बीमारी छू ही नहीं सकती। हम मनुष्य अपने शरीर पर कार्य करते हैं, यानी शारीरिक ऊर्जा पर कार्य करते हैं, बाहरी तल पर कार्य करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत कठिन अभ्यास करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है और इसका प्रभाव बहुत थोड़ा होता है। परंतु जब हम अपने भीतरी तल पर कार्य करते हैं, आत्मिक ऊर्जा पर कार्य करते हैं, तब हमें कम मेहनत की आवश्यकता होती है और एक बार सक्रिय हो जाने के बाद यह ऊर्जा बहुत लंबे समय तक कार्य करती है। इसीलिए जब आप अपनी भीतरी ऊर्जा पर कार्य करते हैं तब यह बहुत गहराई से होती है। इसीलिए तो आयुर्वेद में भीतरी ऊर्जा यानी आत्मिक ऊर्जा को डॉक्टर और शारीरिक ऊर्जा को नौकर कहा गया है। और यदि इसे साधारण भाषा में समझें तो भीतरी ऊर्जा गुरु है और बाहरी ऊर्जा चेला। इसलिए यदि आपने आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, तो बाहरी ऊर्जा स्वयं से नियंत्रित हो जाएगी। अब इस आंतरिक ऊर्जा को जानने से पहले हमें इस आंतरिक ऊर्जा यानी भीतरी ऊर्जा की संरचना को समझना होगा। जिस तरह हमारे इस स्थूल शरीर को गति देने के लिए हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत आवश्यक है, इसी प्रकार आंतरिक ऊर्जा के साथ भी है। इस आत्मिक ऊर्जा के संचरण के लिए हमारे इस शरीर में विभिन्न सूक्ष्म नाड़ियों का जाल है जो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु इसका इतिहास बहुत गहरा है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि इन सूक्ष्म नाड़ियों में ब्लड नहीं बल्कि प्राणवायु बहती है, वह प्राणवायु जो हमें आत्मिक और शारीरिक दोनों तलों पर जीवित रखती है। और यह प्राण ऊर्जा हमारी सांसें हैं जो हमारे इस स्थूल शरीर को आंतरिक रूप से गति देती हैं। हमारी यह आत्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और यह आत्मिक ऊर्जा ही इन सबको नियंत्रित कर रही है। बिना इस आत्मिक ऊर्जा के जीवन की कल्पना असंभव हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि यदि हमारे इस स्थूल शरीर में कोई अंग बीमार पड़ता है तो उसका कारण यह प्राण ऊर्जा ही है, और इसलिए जैसे ही उस प्राण ऊर्जा की सप्लाई वहां तक पहुंचती है वह अंग जीवित हो उठता है। जिन बीमारियों को आप दवाई लेकर ठीक नहीं कर सकते, उन बीमारियों को यह प्राणिक ऊर्जा स्वयं से ठीक कर देती है। आजकल के आधुनिक जीवन में तमाम टेंशनों और अनियमितता के कारण हमारी इन नाड़ियों में गांठें बन गई हैं, जिसके कारण प्राण ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया है और इसी कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी इस प्राण ऊर्जा को नया आयाम देते हैं, अर्थात प्राणायाम करते हैं, या फिर अपनी सांसों को नियंत्रण में करते हैं, या आप अपनी सांसों को समझते हैं, तो यह नाड़ियां अपने आप खुलने लगती हैं। इस प्रकार प्राण ऊर्जा के प्रवाह के कारण जो आपकी नाड़ियों में मल जमा हुआ है, कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, वह सारा का सारा गंदगी और सारा मल बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है, और जैसे ही आपकी यह नाड़ियां साफ होती हैं वह शुद्ध उठती हैं, और इसके कारण आपका शरीर शक्तिशाली हो जाता है, और फिर इसका प्रभाव हमारी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ने लगता है।
क्योंकि हमारी आत्मिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यह हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी बनाए रखने में मदद करती है। यदि आत्मिक ऊर्जा जड़ है तो शारीरिक ऊर्जा उसकी पत्तियां हैं। जिस प्रकार हम पेड़ की पत्तियों पर पानी डालते हैं तो पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता, लेकिन यदि हम जड़ को पानी देते हैं तो पूरा का पूरा पेड़ विकसित हो जाता है। इसीलिए जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा पर काम करते हैं तो पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है, और जैसे ही हमारी यह आंतरिक ऊर्जा हमारे शरीर में उपस्थित बीमारियों को हील करती है, फिर हमारा यह समस्त शरीर हील होने लगता है, स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए जब आप अपने सांसों पर अधिकार जताना शुरू कर देते हैं, उस पर ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं, तब आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, आपको कोई बीमारी छू ही नहीं सकती, आप बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप हमारा शरीर जवान होना प्रारंभ हो जाता है। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और शरीर बीमार होना भूल जाता है। अब यदि इसे वैज्ञानिक भाषा में समझा जाए तो हमारे शरीर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इसे समझने के लिए आपको यह स्टोरी समझनी होगी। एक बार एक राजा को पता चला कि उसके राज्य पर आक्रमण होने वाला है, तो उसने सारे सैनिकों को तैयार कर लिया, लेकिन कोई आक्रमण नहीं हुआ। और फिर अगले दिन उसे सूचना आई कि आक्रमण होने वाला है। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए, परंतु उस राज्य पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन उस सूचना के कारण उनके पास जितने संसाधन थे वह लड़ाई की तैयारी करने में बर्बाद हो गए। उन्होंने अपने सारे संसाधन उस लड़ाई पर बर्बाद कर दिए जो कभी हुई ही नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी कार्य करता है। हमारे मन और हमारे शरीर में उस ब्रह्मांड ने एक ऐसी इकाई दी है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम तब सक्रिय होता है जब हमारे ऊपर कोई खतरा होता है। इस अवस्था में हमारा शरीर एक सुरक्षा के मोड पर चला जाता है, और जो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा है, जो जीवन शक्ति है, वह लड़ाई के लिए और आपको जिंदा रखने के लिए सर्वाइवल मोड में जाकर खर्च होने लगती है। लेकिन इस स्थिति को हमारा शरीर ज्यादा लंबे समय तक नहीं झेल सकता, और इसी के कारण हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उन्हें ब्लड नहीं मिल पाता और ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसी ऊर्जा की कमी के कारण, ब्लड की कमी के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा यह पूरा स्थूल शरीर बीमार होने लगता है, क्योंकि हमारी यह ऊर्जा हमारे शरीर को उस खतरे से बचाने में लगी रहती है जो खतरा कभी आएगा ही नहीं। और यदि इस पर गहरा रिसर्च किया जाए तो पाया जाएगा कि 99% ऐसे खतरे हमारा दिमाग खुद उत्पन्न करता है, जैसे वह मेरे से ज्यादा खूबसूरत क्यों है, उसके पास इतना धन कैसे है, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं काम कैसे करूं, तमाम प्रकार की ऐसी परेशानियां जो कभी आनी ही नहीं है या जिनका आना संभव ही नहीं है। ऐसे ही न जाने कितने तमाम फिजूल के विचार हमारा यह दिमाग उत्पन्न करता है और हमारा शरीर उसे मान भी लेता है और फिर उसी के अनुसार रिएक्ट कर तमाम ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। परंतु हमारे शरीर में एक पैरा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम भी है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम गाड़ी की स्पीड को तेज करना है, उसी प्रकार इस पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य गाड़ी की स्पीड पर ब्रेक लगाना है, या कहें कि शरीर को शांत करना, उसे रिलैक्स करना है। और इस पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का संबंध हमारी सांसों से है, क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े के निचले हिस्से में भी हवा भर जाती है, जिससे हमारे इस दिमाग को एक मैसेज अलर्ट जाता है कि आपको घबराना नहीं है और तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है। और जब हमारा शरीर स्थिर हो जाता है तो समस्त शरीर में यह ब्लड अच्छे से संचालित होने लगता है, और इसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है और बेकार में यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती और हमारे शरीर को तमाम रोगों से सुरक्षित करने के लिए तैयार हो जाती है। आप देखेंगे कि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका दिमाग खुश हो जाता है, एक प्रकार का डोपामाइन रिलीज हो जाता है जिससे आप खुशी फील करते हैं, और जब आपका मन खुश होता है तब आपका तमाम कार्यों में मन लगता है, शरीर फुर्तीला हो जाता है और आप तमाम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, जिससे आप तमाम बीमारियों से बच जाते हैं। दोस्तों,
जब हम सांस तेज लेते हैं यानी कुंभक करते हैं, फिर सांसों को रोक लेते हैं या उसे धीमा कर देते हैं, तब हमारे शरीर के वेगस नर्व एक्टिव हो जाते हैं और वेगस नर्व हमारे मस्तिष्क से सीधा जुड़ी होती है और ये वेगस नर्व हमारे मस्तिष्क के तमाम क्षेत्रों को संचालित करती हैं और ये नर्व हमारे मस्तिष्क की तमाम क्रियाओं और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस वेगस नर्व के माध्यम से ही मस्तिष्क को तमाम संदेश भेजे जाते हैं जो मस्तिष्क के द्वारा किए गए कार्यों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जब कोई साधक या कोई व्यक्ति गहरी सांस लेता है तो वह अपने शरीर को हील करता है और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे तमाम बीमारियों से वह बच सकता है। तो आइए इसके लिए गहरा प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लें। अब गहरी सांस लेना प्रारंभ करेंगे। उस समय के लिए रोकेंगे और फिर इस सांसों को छोड़ देंगे। फिर सांस लेंगे कुछ सेकंड के लिए, रोकेंगे फिर सांस छोड़ देंगे। ऐसा ही आपको काफी समय तक करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। आप देखेंगे कि आपके शरीर और आपके मन की स्थिति शिथिल हो गई है, शरीर ढीला हो गया है, कोई अकड़न नहीं है आपके शरीर में, आपका माइंड स्थिर हो गया है, सब कुछ शांत सा प्रतीत हो रहा है। एक ऐसी शांति जो आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी शांत रखती है। दोस्तों ऐसा ही प्रयोग आप करते रहिए और अपने अभ्यास के बाद आपके हुए अनुभवों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर प्रश्न जरूर पूछिएगा। आपके कमेंट हमें आगे वीडियोस के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जरूरी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई तकनीक विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।